पूर्व मंत्री दीपक जोशी को हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव में टिकट देने का मन ही नहीं है, यह पहले ही संगठन ने तय कर लिया था और उनके स्थान पर कांग्रेस से भाजपा में आए मनोज चौधरी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हुए मनोज चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर संभव एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लेकिन कल हाटपिपलिया विधानसभा के बरोठा में जब मंच से मुख्यमंत्री ने एक साथ हाथ उठाकर मनोज चौधरी के लिए समर्थन मांगा तो केवल एक के हाथ नीचे ही रहे और वे थे पूर्व मंत्री दीपक जोशी के। इस चित्र को लेकर कयासों का दौर चल रहा है कि आखिर दीपक जोशी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नैतिकता कहती है कि जो उस क्षेत्र से दो बार विधायक रहा हो यदि तीसरी बार हार भी जाए तो एक मौका और देना चाहिए। लेकिन पार्टी संगठन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिए वादे के पेंच में फंसा होने से मनोज चौधरी को टिकट देना पड़ा। ऐसे में दीपक जोशी ने भी कई मौकों पर अपना दर्द बयां किया तो उनके समर्थकों ने भी उन्हें उपेक्षित रखने की वजह से नाराजगी जाहिर की थी। फिलहाल दीपक जोशी का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संभव है पार्टी ने अब तक दीपक जोशी को संतुष्ट नहीं किया है और दीपक जोशी केवल संतोष कर रहे हैं कि हो सकता है पार्टी जल्द ही उनके संबंध में कोई खास निर्णय ले, क्योंकि दीपक जोशी ने अपने करीब 3 मिनट के संबोधन में भी इस बात को भले ही जाहिर नहीं होने दिया। बहरहाल जो भी हो, मनोज चौधरी के सामने मुश्किलें तो जरूर है, लेकिन कल की सभा की सफलता के बाद लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि मनोज चौधरी इस बार भी भाजपा की नाव पर सवार होकर चुनावी रण पार कर लेंगे। दूसरी तरफ पिछले दिनों दीपक जोशी के समर्थकों सहित अन्य करीबियों को कल साधने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री के पीछे दूसरी पंक्ति में उन्हें स्थान दिया गया ताकि पहले जो उपेक्षा का आरोप लगा था उसे इमेज को कंट्रोल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने दूसरी पंक्ति में अपने पास धर्मेंद्र सिंह चौधरी राजौदा को बिठाया, जिन्होंने पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के लोगों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की थी। ये दीपक जोशी के करीबी कार्यकर्ताओं में शामिल है। इस तरह से डालचंद कलमोदिया, ईश्वर सिंह पंवार बरखेड़ी, त्रिपाल सिंह पंवार भी है जो दीपक जोशी के करीबी कार्यकर्ताओं में शुमार है और इन्हें इस मंच पर विशेष जगह देकर उपकृत करते हुए संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी तरह दीपक जोशी के करीबी पवन सिंह पंवार को भी मंच पर स्थान मिला।